पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम सुस्की रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 29.9 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गढ़वा के कृषि विज्ञान केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिसका विस्तार था, उसके कारण एक इंड्यूस लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में बना है और जिससे जुड़ा हुआ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि हाई मॉइस्चर फीडिंग अरेबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से, दोनों से हाई मॉइस्चर फीडिंग हो रहा है और जिसका असर आपको आने वाले अगले 24 घंटों में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि मुख्य शहरों के जो न्यूनतम तापमान है, तो रांची का जो न्यूनतम तापमान था वो पिछले 24 घंटों में 12.1, जमशेदपुर में 13.4, डाल्टनगंज में 11.5, बोकारो थर्मल में 10.5, चाईबासा में 13.6, देवघर में 11.6 और गिरिडीह में 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं कि मौसम पूर्वानुमान की, तो 3 तारीख को राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो ये जो 3 तारीख की जो एक्टिविटी है, आज की एक्टिविटी है, ये देर रात से स्टार्ट होगी और अर्ली फोर्थ मॉर्निंग में से आपको देखने को मिलेगी। तो 3 तारीख के देर रात से जो मौसम में बदलाव आपको देखने को मिलेगी और इससे जुड़ी हुई चेतावनी है कि 3 तारीख में आपको जैसे ही ये सिस्टम झारखंड की तरफ बढ़ेगा तो आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के इवेंट भी देखने को मिल सकते हैं। और 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख में जो सिस्टम है उसका असर झारखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में 4 तारीख में ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में हेलस्टॉर्म की भी प्रोबेबिलिटी है और साथ में जो उत्तर पूर्वी भाग है वहां पे एक आध जगह पे भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई जा रही है और जो जहां पे ओलावृष्टि देखने की संभावना जताई जा रही है वो उत्तर उत्तरी भाग और उससे सटे हुए जो निकटवर्ती मध्य भाग है वहां पे आपको ओलावृष्टि का जगह पे देखने को मिल सकती है। 5 तारीख से जो मौसम है बिल्कुल शुष्क ड्राई हो जाने वाला है और जो तापमान की बात करें तो अगले 24 घंटों में 3 तारीख की क्योंकि क्लाउड आ जाएगा रात में तो न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसके बाद से 5 तारीख की सुबह से जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगा और अगले 3-4 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये है कि 5 तारीख से मौसम तो साफ हो जाएगा, सुबह में आपको हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा, साथ में न्यूनतम तापमान में फिर से एक बार गिरावट आपको 3 से 5 डिग्री की देखने को मिल सकती है। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।